पहले तो आपको मैं दिवाली मुबारक दूंगा, धन्यवाद, और जय माता दी कहूंगा, और अपने सारे जो अफसर साहबान हैं इन सब का शुक्रिया करूंगा। कितने शॉर्ट नोटिस में हमने कल प्लान बनाया और आज इन्होंने आशीर्वाद दिया। एक बस जो माँ बावे वाली के दरबार से होते हुए मुट्ठी दमाना मिश्री वाला अखनूर जोड़ियाँ पलां वाला पाँच सूत बिल्कुल जीरो बॉर्डर पे जाएगी, वो ऐसी बस है। एक बस हमारी स्पेशली महिलाओं के लिए है, जो हमारे स्टाफ के हों या टीचर्स हैं डॉक्टर्स हैं उनको वो कम्यूट करेगी राइट फ्रॉम जीवल टू प्रॉपर चौकी चौरा से होते हुए सुंदरबनी। फिर एक बस हमारी यहाँ बस स्टैंड से या जीवल से जहाँ भी इनको ठीक रहेगा, जहाँ से हमें रेवेन्यू भी एक इशू है, वो बड़ी बस हमारी सीधे जाएगी वाया जम्मू से मुट्ठी दमाना मिश्री वाला डस्काल खोगा से होते हुए प्यान मेहरा मांदरिया से होते हुए कठाड़ रियासी तक जाएगी। तो मुझे लगता है अच्छा सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो चार पांच हमारी केटर करेगी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को अच्छा होगा, और बड़ी अच्छी टीम ऑफिसर्स की हमारे पास है जहाँ जहाँ भी आगे होगा। आज तो ये दिवाली का एक छोटा सा इनकी तरफ से एक तोहफा है, जो हमें हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब का हुक्म है कि आम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, और मैं उनको स्पेशली दिवाली मुबारक भी कहूँगा और धन्यवाद कहूँगा। अभी मेरे साथ चौधरी साहब आए थे, सुरेंद्र चौधरी साहब, तो किसी कारणवश नहीं आ सके, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। सारे प्राइम जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं लोगों से जुड़े हुए उनको दिए, मेरे जैसे एक आम इंडिपेंडेंट आदमी को उन्होंने सीधे मिनिस्टर बनाया, ये कोई छोटी बात थोड़ी है, नहीं तो बड़ी चीज़ें होती हैं राजनीति में। तो जम्मू को पहली बार हुआ कि तीन आदमी मुख्यमंत्री किसी ना किसी को बनना था, दो मिनिस्टर वैली से और तीन जम्मू से। पिछले दिनों हमारे मित्र राम माधव जी कह रहे थे कि जम्मू को इग्नोर किया है, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कह देना चाहता हूँ कि यू आर रॉन्ग। फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स जम्मू गॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, ये कह सकता हूँ ज़्यादा मिली उन्हें, और अच्छे डिपार्टमेंट्स मिले। वो जो उनकी प्रेस रिलीज थी राम माधव जी की, वो पुरानी थी, तबोध नहीं हुई थी शायद, वो पुराना पर्चा पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए लोगों को बरगलाओ मत, जम्मू कश्मीर वी आर वन स्टेट। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे एलजी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी मिनिस्ट्री रोड मिनिस्ट्री गडकरी साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं हमारे साथ मिलकर। उमर साहब गए थे और बड़े कॉर्डियल नोट पे बड़ी अच्छी पॉजिटिव उनकी बातचीत थी, और जम्मू को एक अच्छी शक्ल बनाकर देंगे, जो कमियां हैं दूर करेंगे। अब 11 साल की यहां पर एक कमियां जो हैं, एक साल तो लगेगा हमें दुरुस्त करने में, तो आपका प्रेस वाले साथियों का हमें अच्छा योगदान चाहिए, ताकि हम सूबा जम्मू के लिए माँ शेरांवाली के आशीर्वाद से कुछ बेहतर कर सके। और हर सर आज जो कि यूटी फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, यहाँ के SPICT और LG मनोज सिन्हा ने कहीं ना कहीं उन विधायकों को जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं किया उन्हें कहीं ना कहीं उन पर कटाक्ष किए हैं, तो उसके बारे में क्या? उसमें मैं नहीं जा सकता, मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, लेकिन मैं जिस दिन स्टेट फाउंडेशन डे होगा 2-4-6 महीने में वहाँ सब आएंगे, हम इन सबको इन्वाइट करेंगे, हमारी स्टेट है यार, हमें वापस दे दो। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री साहब से बहुत अच्छी बात हुई है, वो भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है। यहाँ तो हम एक डिमोशन हुई थी तो उसे SHO को लासी थानेदार बनाया था, हमें बराबर SHO बनाया जाए, तो कोशिश करेंगे अच्छी स्टेट बनाएगी। और आज मैं चाहूँगा दिवाली के मौके पर एक तो आप ग्रीन दिवाली बनाओ, बहुत ज़रूरी है, दिए जलाओ, आम लोगों को काम मिले, और ये जो पटाखे हैं